Happy birthday to you. डोसा खाने आए हो उतना दूर से यहाँ? अरे मस्त तंदूरी रोटी या सब्जी वब्जी मंगाओ, कुछ पनीर की। अब रोटी सब्जी नहीं है वो, तुम इतना मेकअप लगा के आए हो, वेटर देख के बेचारा शर्मा जाएगा। हेलो एवरीवन, तो पति देव गए थे बनारस और वो आ गए हैं आज। मुझे लगा कि नहीं आ पाएंगे बट फाइनली आ गए वो। तब गर्मा गर्म पकौड़ी बना रहे हैं, खाएंगे लस्सी बनाने को। तो लस्सी ठंडी में कोई लस्सी पीता है भाई? 2 बजे के बाद लस्सी नहीं पिया जाता है। तो अभी मैं आपके लिए पकौड़ी और उसके साथ चाय बना दें। अच्छा लेकर आ रहे हैं। आपको तो कुछ याद नहीं रहता, हम ही बस सोचे कि आपको पकौड़ी खिला दे। स्माइल कर दो। आज जन्मदिन के मौके पर हमारे घर में बन रहा है गोभी की सब्जी और मक्के की रोटी। तो और क्या बनेगा भाई, यही सब ना बनेगा घर में जो अवेलेबल रहेगा। हाँ जी, यही खाना है ना तुम लोग को? केक खाना है। तुमको क्या खाना है? किसे? उसको केक? उसको केक? केक थोड़ी मिलता है मेरा, बड़े बच्चों का बर्थडे होता है तब केक मिलता है। मम्मा का बर्थडे केक? मम्मा का बर्थडे पे केक नहीं आता। तो तुमको क्या खाना है ये बताओ। हमें पता नहीं, तुम्हारा बर्थडे है। तो मक्का का रोटी बन रहा है ना, चल रहा है, बनाएंगे, मेहनत करेंगे भाई और क्या। उससे भी अच्छा है खाना बताएं। केक है, केक। उससे भी अच्छा बताएं। क्या? खिचड़ी। केक खा के खिचड़ी खाओगे? ठीक है, हम खिचड़ी बना देते हैं बाबू को। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों का सस्पेंस दूर करते हैं और चलिए जाइए, रेडी होइए, आप लोगों के लिए सरप्राइज है बाहर। क्या सरप्राइज? अब वो सरप्राइज है तो सरप्राइज की तरह देखो ना, अभी क्यों पूछ रहे हो? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अब आप लोग रेडी होइए, रेडी होकर के मेरे सामने यहाँ खड़े होइए, थोड़ा सा नृत्य करिए। नृत्य क्या बोलते हो? नृत्य, नृत्य करिए। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ले चलूंगा कहीं। हाँ चलेंगे ठंडी में। देखो देखो भाई, ऐसा है, तुमको नहीं जाना है कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। मेरा बर्थडे है ना, जो खा के आएंगे। तुमको नहीं जाना तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुमको ठंड लग रही है, तुम बैठो आराम से, मैं खा पी के आता हूँ एंजॉय करके। ये लोग मानेंगे तो लोग लेके चला जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। अकेले की थोड़ी ठंड है, मैं भी चलूंगी। चलो बच्चों। और ये इयररिंग मैं पहन रही हूँ, देखते हैं पति देव क्या बोलते हैं। ये वही लाए हैं गिफ्ट, बनारस गए थे कल आए हैं, बनारस गए थे तो वहां से लाए हैं मेरे लिए लहंगा, और वो लहंगा मैं आऊंगी तो दिखाऊंगी वहां उधर से। हम लोग कहाँ जा रहे हैं छोटी? होटल पर। क्या करोगे वहां जाके? हैप्पी बर्थडे खाएंगे। हैप्पी बर्थडे खाओगे? अच्छा नहीं छोटा। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। देखिए जी कैसा लग रहा है, कान कान तुम्हारे मुंह का कलर तुम्हारे पैर पे कलर से मैच नहीं कर रहा है। क्यों? ये देख, मेकअप कुछ नहीं, बस पाउडर हल्का सा, वो भी बेबी पाउडर लगा लिए जल्दी जल्दी, उन लोगों को लगाया, हम भी लगा लिए, मुझे मेकअप का शौक नहीं। हाँ लिपस्टिक लगा लेते हैं बस। नासा वाले तेरे को पकड़ के ले जाएंगे भाई। पहले बता अच्छा लग रहा ना मेरे ऊपर? बच्चा बोल दिया अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही लग रहा है। ओ, दिखा दे, देखिए कैसा लग रहा है मेरा झुमका। तो पति देव लाए हैं तो पहनना तो बनता ही है, और काफी ब्यूटीफुल लाए हैं, बनारस में एक से बढ़ के एक हमारे मिलता है, और बनारसी लहंगा भी लाए हैं बनारस से, तो वो मैं वहां से आकर दिखाऊंगी। और ए मेकअप की दुकान, कौन से दुकान में घुस रहे हो? तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, और क्या खाना है? डोसा। डोसा खाने आए हो उतना दूर से यहाँ?
अरे मस्त तंदूरी रोटी या सब्जी वब्जी मंगाओ, कुछ पनीर की, मशरूम की। अब रोटी सब्जी नहीं है वो, मम्मी की बात में बोले था रोटी सब्जी ही रहता है। यार पहले तो तुम इतना मेकअप लगा के आए हो, वेटर देख के बेचारा शर्मा जाएगा। हाँ बस आपका यही चलेगा, पनीर की ही रेसिपी चलेगी ना। रहना कि आप दाढ़ी लगा लिए, टोपी लगा लिए, बस पापा बन गए हैं। पानी पूरी खिला रहे, रुक जाओ। जाओ नहीं खाना है डैडी, में थोड़ा सा टेस्ट कर लो, खा लेते हैं थोड़ा सा, हम भी खिला दो तो। नींबू रात को नहीं खाते मम्मा? जाओ क्या कह रहा, मजा आ गया, पेट भर गया, पूरा प्लेट फिनिश हो गया। नंबर एकदम जीवन का असली सुख बस पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी बना। अच्छा और एक गिलास लस्सी भी रहता तो मजा आता, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं पिए। रात है, हट जाओ भाई। अच्छा सामने है पंजाबी रसोई और उसके ऊपर है सुरताल, और ये हमारा मार्केट। अभी एक सरप्राइज और बचा है। क्या आप क्या बचा है? चलो आगे दिखाएंगे ना। तो वो तो क्या, आप कितना सरप्राइज? अभी अभी यहाँ घुमाए, अभी और बचा है, अभी और एक है लास्ट। चलो देखते हैं। चलिए अगला सरप्राइज इनका था केक, लेकिन मैं गई थी वहाँ पे, मैंने रिकॉर्डिंग किया था अच्छे से सब कुछ, बट पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, लगता है कैमरा ऑन नहीं था। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और घर पतिदेव केक लेते हुए आए हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ऐसा कौन करता है जी, थोड़ा सा बताइए हमारे पब्लिक को, क्या है ये, थोड़ा सा बढ़िया मतलब ऐसा कौन करता है, पहले ले जाकर डिनर कराओ फिर उसके बाद आप केक, क्या है उल्टा पुल्टा नहीं? केक ऑर्डर हुआ कहाँ था? हाँ ये गांव, हाँ वो तो है, ये गांव गए थे तो केक का ऑर्डर हो नहीं पाया था, और फिर लेने जा रहे थे तो मैंने कहा कि जाने दीजिए, अब दो बार क्यों बाहर जाएंगे, अब साथ में ही चलते हैं और हो जाता है, उससे क्या करना है, चाहे पहले खा के केक काटो या केक काट के खाओ, कौन सा पब्लिक को खिलाना है, बस यही रीजन था। तो केक कटने से मतलब है ना, पहले कटे, बाद में कटे, रात में कटे, दिन में कटे, संडास में कटे, बाथरूम में कटे, कुछ भी बोलते रहते हैं, कहीं भी कटे या कभी भी कटे, सही केक बात कटे। सही बात। तो अबे भान तो बैठी है उसमें, देखिए तो बम फटेगा, देखो बम फटने वाला है, और अभी देखना है बम फटेगा। ऑर्डर तो नहीं किया, इमरजेंसी में मैंने केक खरीदा है, इसलिए काफी खूबसूरत केक नहीं है, तब भी अच्छा है। हाँ। तो अगर ऑर्डर दिया होता तो फिर कुछ अच्छा बना होता, लेकिन इमरजेंसी सेवा में इसे लिया गया, कोई बात नहीं। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल के साथ डर लगा वो मैं। अरे बुढ़िया जी मजाक कर रहे हैं, हम बर्थडे गर्ल के साथ, आप आज आप लोग देखेंगे कि कैसे एक बूढ़ी औरत बर्थडे मनाती है। माँ प्यार अब सुबह से मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, अब हम काटेंगे नहीं, अब हम नहीं, अब नहीं काटेंगे। बूढ़े लोग भी काटते हैं, अगर इस बार बूढ़े लोग भी बर्थडे मनाते हैं, इसलिए तो ये जो है मैं अभी जब मैं 25 साल की हो जाऊंगी, सभी लोगों को हैप्पी बर्थडे बोलना है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Putti.
लेकिन गिफ्ट तो बहुत ही खूबसूरत है कि मैं कोई बयान नहीं कर सकती, लेकिन इतना कॉस्टली है ना कि मुझे बार बार लग रहा है कि आपने, मतलब दो तीन बार मैंने बोल दिया कि क्यों लेकर आए हैं। चलिए अच्छा, बोर हो रही है पब्लिक अब, ठीक ना? अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा केक और खाएंगे, और आप लोग तो है नहीं हमारे साथ कि हम आप लोग को खिला सके, इसलिए दूर से ही आप लोग केक का आनंद लेते रहिए और हमें फिर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिए। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहेंगे। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय 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 करो सब लोग। बाय बाय।